सो हे गाइस, आज हमारा एक पर्सनल हम व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम मीरा भाईंदर के एक मैंने नया स्पॉट डिस्कवर किया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए। तो हम आपको वो स्पॉट पे लेके जाएंगे और आप लोग वहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्पॉट है, वहाँ पे आपको प्लेग्राउंड भी है, फिर झूले भी है और आप लोग वीडियो शूट्स भी कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल व्लॉग बनाना है तो मैंने सिक्योरिटी से बात कर लिया, तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शंस भी नहीं है। तो आप लोग को जो चाहिए आप वो कर सकते हो। अगर आप लोग को वीकेंड स्पेंड करना है वीकेंड, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। बहुत बड़ा पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क है, अम्यूज़मेंट नहीं बोल सकते बट इट्स अ काइंड ऑफ नॉर्मल पार्क है जिसमें आप आके थोड़ा घूम सकते हो, आराम कर सकते हो और जो भी आपको चाहिए टाइम पास कर सकते हो। बाहर ही बहुत सारे शॉप्स है जो खाने के लिए है, बाद में मैकडोनल्ड्स है, मैकडी है, डोमिनोज वोमिनोज सब आजू बाज में ही है। तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग आके घूमो, मज़े करो। अभी फ़िलहाल हम लोग हमारी धन्नो को चालू करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी धन्नो ऐसी नहीं दिखेगी, बैक कैमरा चालू करना पड़ेगा। आपको मेरी धन्नो दिखाता हूँ, हमको हम लोग धन्नो को चालू करके लेके जाएंगे और फिर हम लोग वहाँ पे घूमेंगे। सो गाइज, दिस इज़ माई धन्नो। बेसिकली ये गिफ्ट है मेरे फ्रेंड का। यही धन्नो को हम पहाड़ों पे भी लेके जाते हैं, यही धन्नो को हम हर जगह घुमाते हैं। बहुत लकी है ये गाड़ी हमारे लिए। गाइज, ये है हमारा रामदेव पार्क। यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना होता है सिनेमैक्स के लिए, आपको स्ट्रेट तक जाना होता है। बाद में सिनेमैक्स वाला रोड आता है तो आपको राइट माना रहेगा। ये वर्धमान का रोड है, इसके आगे आएगा अभी सिनेमैक्स का रोड। बहुत अच्छा डेवलप हो गया, देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बहुत अच्छे डेवलप हो रहा है मीरा भाईंदर हमारा। वी आर प्राउड टू बी मीरा रोड पब्लिक। ये हमारा रामदेव पार्क, रामदेव पार्क से हम लोग मारेंगे राइट। मेरे को भी एक्जैक्टली मालूम नहीं है क्योंकि वो थोड़ा अंदर है, तो हमें भी थोड़ा यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करते करते जाना होगा, ढूंढना होगा वो चीज़। मुझे दिखाओ कैमरा में ज़रा। तो हम जाएंगे स्ट्रेट और बाद में हम सिनेमैक्स के यहाँ निकलेंगे, फिर सिनेमैक्स से लेफ्ट लेके राइट लेके मैरीगोल्ड के यहाँ से हम लोग घूमेंगे। आज हमारा हेलमेट हमारा फ्रेंड लेके चले गए। सारे लोग इतने फ्री हो गए कि घर पे आते हैं लेके चले जाते बिना पूछे जाते, तो हम लोग अभी हेलमेट लेस हो गए कि लोकल है तो चलता है, बट अगर आप लोग हाईवे पे हो तो आप लोग को जरूर वेयर करना चाहिए हेलमेट। हेलमेट का आप देखिए लेफ्ट साइड में दिखाइए, लेफ्ट साइड में सिनेमैक्स है, यहाँ से हमें राइट लेना रहता है। शादियों का माहौल, दिसंबर में आप लोग देखेंगे हर एक फैमिली में चार पांच शादी तो कहाँ नहीं गई, सिर्फ दावत ही दावत, दावत ही दावत, खाते रहो मजे करो, जिंदगी में और है ही क्या। अभी यहाँ से हमें कहाँ से लेफ्ट लेना है अभी मुझे भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है। बीच में हम लोग आए थे, ये हमारे अज्जू भाई को बहुत जगह पसंद है, ये जगह की जिसका भी ये बता देना, अज्जू भाई को ख़रीदने गए। अज्जू भाई के घर के थोड़े से आगे से अपन लेफ्ट मारते हैं, वो लेफ्ट अपने को लेके जाता है डायरेक्ट वो गार्डन। गार्डन का बेसिकली देखा है तो मेरे को नाम भी नहीं मालूम क्योंकि रामदेव अरे सॉरी सत्य में वो जैती लिखा हुआ है, बट एग्जैक्ट नाम क्या है देखो, ये इधर एक गेट से आपको अंदर जाना है, फिर एक गुफा रास्ता आएगा जो बहुत बिल्डिंग्स के बीच में से निकलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप भटक गए रास्ता, मगर भूलना नहीं आप भटके नहीं हो, आप रास्ते में हो, डरने का नहीं, चलते रहो बढ़ते रहो जिंदगी में, पब्लिक आती रहेगी। ये देखो ऐसा लगेगा कॉम्प्लेक्स में घुस रहे, मैं बाद में बड़ा कॉम्प्लेक्स में नहीं बेटा, जैसे लेफ्ट है ठीक है, टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में कभी भी, बस चलते रहने का और बढ़ते रहने का। अब यहाँ से तो कैसा है मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट हाँ राइट मारो यहाँ से स्ट्रेट स्ट्रेट चलाओ, थोड़ा अंडर डेवलपमेंट है रोड, मतलब रोड तो अच्छे हैं बट कोई कोई यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है, थोड़ा अंदर हो जाता है हाईवे से। मैं भी इतना इसलिए इतना पॉपुलर नहीं है, वो तो जाके मालूम पड़ेगा हमें कितने लोग मिलते हैं वहाँ पे। अभी मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ जाने का हमने को, हाँ यहाँ पे नहीं जाने का अपने को शायद,
रास्ते पे यू टर्न डोमिनिक टोरेंटो। काम के टाइम काम, ब्लॉगिंग के टाइम एकदम आराम। ऐसा नहीं आप लोग प्रोफेशनलिज्म लेके चलोगे, प्रोफेशनलिज्म लेके चलोगे तो आपका पर्सनल टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा साइड में रख देने का, जब भी आपको ऐसा कुछ रहेगा घूमने फिरने का काम या फिर ऐसा कुछ भी जगह जहाँ आ रहे हो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म को साइड में रख देने का। ऑफिस वर्क ख़त्म हुआ तो डायरेक्ट अपने कंफर्ट जोन में आने का और अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करने का। ज़िंदगी में एक बैरियर रखो अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर बैरियर नहीं रहा तो तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी ख़राब और प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब। नहीं तो इसमें आराम मिलेगा, नहीं तो इसमें आराम मिलेगा, दोनों में आप लोग उलझे रहोगे। नहीं तो ज़िंदगी जी पाओगे, नहीं तो जो भी पोजीशन पे आप लोग उधर उसको ही देखो, ये राइट से दिखाओ। क्योंकि मैं यहाँ से एक बार जा रहा था तो मैं देखा कि इसका एंट्रेंस ही इतना बड़ा है, तो मेरे को लगा कि ये एंट्रेंस ही बड़ा होने से, जब बंदा एंट्रेंस में इतना खर्चा कर सकता है सामने वाला, तो अंदर तो लंबा चौड़ा रहेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे स्पॉट पे। ये देखो यही गार्डन है जिसका मैं बोल रहा था, बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत बड़ा लंबा गार्डन है। मैं आपको थोड़ा सा, अगर सिक्योरिटी वाला कुछ इशू ना करे तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा गार्डन है बहुत। अगर आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ आइए विज़िट कीजिए, और जो भी इसके अंदर फैसिलिटीज़ है उसका वो बेनिफिट उठाइए। क्योंकि ऐसा थोड़ा मतलब सिटी एरिया में इतना आपको लंबा ये नहीं मिलता है, गार्डन या पार्क नहीं मिलता जहाँ पे आप रिलैक्स कर सको, मेडिटेट कर सको, जैसा कि मैंने प्रोफेशनलिज्म और इसका बात किया। तो आपको थोड़ा आपका सिटी लाइफ से थोड़ा कट के फिर अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है। इसके लिए मेरे ख्याल से ये जगह बहुत अच्छी है जहाँ पर आप आ के अपने मतलब थोड़ा टाइम पास कर सकते हो। बाद में अंदर गेमिंग एंड ऑल का भी है तो आप वो सब देख सकते हो। सो अभी हम अंदर जाएंगे, लेट्स गो।
देखिए कितना बड़ा बड़ा। हम आ गए हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा हूँ। देखिए हमारा कैमरा क्वालिटी कुछ खास नहीं है शायद, इसलिए अगर जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसे वैसे हो तो भेजिए हमको DSLR हमारे एड्रेस पे। तो एक्चुअली सब चीज़ कैप्चर नहीं होता है, मोबाइल कैमरा एक हद तक ठीक है बट हर चीज़ कैप्चर नहीं कर पाता है। सी देखिए आप लोग, और बताइए, फर्स्ट टाइम मैंने इतना टाइम तक मोबाइल फ़ोन को ऐसा होल्ड करके रखा है तो मेरा हाथ भी दुख रहा है आज। इसके ही आगे आप देखेंगे तो ग्राउंड है, तो गाइज अभी ये मेरा तो फर्स्ट व्लॉग है, मैं इम्प्रूव करूँगा और बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा तो हम और अच्छा कंटेंट बनाएंगे और आएंगे मज़े करेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर to your family and friends. Thank you.